हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। हम जा रहे हैं एक आरसी की कॉपी लेने। ये मेरा दोस्त है देव, पहले भी ब्लॉग में आ रखा है। ये सागर है, सागर अपने मिशन पर है। इसको हम लेके नहीं जा पाएंगे क्योंकि बाइक पे दो ही जने अलाउड है। अरे फिर सागर मिशन पर भी तो है, और सागर का कुछ काम भी है यहाँ पे, वो हम बता नहीं सकते ऐसे। अभी हम जाते हैं, नीचे हमारी बाइक खड़ी है। ये रही हमारी बाइक, बस हम जा ही रहे हैं। आ जाओ, आ जाते भाई। ये हमारी लाइब्रेरी है, किसी को ज्वाइन करनी है लाइब्रेरी तो ज्वाइन कर सकता है। पैसे नहीं दिए इसके आंटी ने हमें, पर हमने कर दिया है इसी का प्रमोशन भी। ये रही बाइक, इसे चलते हैं। गोल्डन मोटर पे हम पहुंच गए हैं, और अभी हम देखते हैं आरसी लेके आते हैं, फटाफट से चलते हैं घर। ले लिया हमने अपनी आरसी, दिखाएंगे नहीं। चलते हैं फिर से लौट के। अब मैं टाइम लैप्स नहीं बनाऊंगा, इतना ही काफ़ी था क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। हम आ गए टाउन पार्क में, फरीदाबाद में, सेक्टर 12 में, और अभी हम दिखा रहे हैं आपको मेन एंट्रेंस, पर बाद में दिखाएंगे। बहुत बड़ा है टाउन पार्क, पार्क नहीं पार्क, देहाती है ना, कहते ऐसे ही बोले कर रहे हैं। यहाँ पे कपल बैठे रहते हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं कोई कपल मिल जाए तो। एक ये भी मेरा, ये मेरा दोस्त है, पूरी फुटेज लेने की कोशिश करेगा यहाँ पे, लड़कियाँ छेड़ देगा ये, ऐसा है। ऐसे कहता है, लड़कियाँ पागल हो जाते हैं इसके प्यार में। देखो बालों पर हाथ मारते हुए, यूँ समझेगा कि शाहरुख खान। सबसे ऊंचा झंडा है हमारे देश का फिलहाल। यहाँ पे झूले भी हैं, देखो तो झूले भी दिखाएंगे आप लोगों को। और ये मेरा दोस्त जो है, ये झूल के दिखाएगा, झूले पे झूल रहे हैं बच्चे झूल रहे हैं। अभी ये बच्चा बन जाएगा हमारे, मेरे साथ। अभी इसने गाली दी है जो मैं नहीं चाहता कि मेरे लोगों को गाली आए, पर साले कोई गाली नहीं होती, रिश्ता भी होता है एक, जो कि हाँ इन बच्चों से बोल देगा ये। अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे वो सब काम कहाँ होता है। इस पार्क में भी कपल बैठे होते हैं वैलेंटाइन डे, और वैलेंटाइन डे जिनके पास पैसा नहीं होता वो लोग यहाँ पे ले आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को। बात रही हमारी, तो हमारे पास तो पैसा है पर गर्लफ्रेंड नहीं है हमारे पास, इसके पास तो है। अच्छा वैसे सच बात नहीं है, इसके पास ही नहीं है, ये भी सिंगल है। अभी इसने एक बात बोली है मुझे, ये बोल रहा है कि पहले हम जब पार्क में आते थे तो उल्टी सीधी भाषा में बात करते थे ताकि लोग इनको फॉरेनर समझे। अभी बोल के दिखाएगा कैसे बात करते थे, दिखा भाई बोल के। आती नहीं यार, क्या पहले तो बोलता था। यहाँ से होता है लपन शुरू, एंट्री वहाँ से है, आप आगे चले जाइए लव के यहाँ से। ऐसे कपल बैठे होते हैं, वो दूर में आप दिखाई नहीं दे रहे होंगे पर हम दिखा देते हैं। एक्चुअली ज़्यादा दिखा भी नहीं सकते ना क्योंकि आइटम बन जाएगा यहाँ। यहाँ पे ना एक तोप है और एक हवाई जहाज है, वो हम दिखाएंगे। एयरक्राफ्ट, ये थोड़ा सीबीएसई मोड से पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए पता है इसको। हमें तो तुम्हें पता ही है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तोप दिखा रहे हैं अब हम। ये पहले वॉर में यूज हुआ था। कौन से वॉर में यूज हुआ था सर ये? ये तो पढ़ के बताना पड़ेगा। चलो अब हम इसकी सारी चीज़ें बता देते हैं। ये असली की है, इधर हमने कपड़ा डाल रखा है इसके अंदर ताकि बम ना छूट जाए। ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो पॉज करके। और ये है म्यूज़ियम, इसके नीचे किताबें हैं, इसके बारे में बता रखा है। ये थोड़ा बहुत कुछ है,
बहुत अच्छा बन रहा है ये। और देखो वो है एयरक्राफ्ट, उधर चल रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये कपल बैठे हुए हैं यहाँ पे, पर हमने इनको दिखाया नहीं है क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी भी बनती है ना। लेफ्ट पॉइंट है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे मैं लूँगा थंबनेल, इधर भी और इधर भी। और हसलिंग राजन के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप भी सर्च करेंगे उसे तो वो भी यहाँ पे एक वीडियो बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, उनका पूरा जो ग्रुप है वो फरीदाबाद से ही है। मतलब यहाँ पे बनाते हैं वो लोग वीडियो। अभी बैक कैमरा चालू करके हम दिखाएंगे आपको। दो बाइक भी खड़ी है यहाँ पे, इधर वीडियो बनाते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर। ऊपर जाके देखते हैं, ये बेंचेस हैं बैठने के लिए, पर लोग ऐसे सीढ़ियाँ समझते हैं। जैसे अभी देखो ये सीढ़ियाँ समझ के चढ़ेगा इन पे। अरे पढ़ा लिखा निकला ये तो, मेरी सोच से ऊपर काम किया है इसने। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, कोई लोग मर जाते हैं तो इन पे ही ले जाते हैं यहाँ पे। हाँ गर्लफ्रेंड को लेके ना आए क्योंकि यहाँ पुलिस वाले गुद्दी पकड़ के मारते हैं, भूत बना दिया जाएगा। वैसे इसने जो वो बात बोली है ना वो सच्ची बोली है। यहाँ पे घड़ी है जो धूप से चलती है, वो हमें दिखा रहे हैं अभी आपको। थोड़ी पीछे से दिखाते हैं ताकि साफ दिखाई दे। ये घड़ी धूप से चलती है। और ये हमारे चौधरी देवीलाल जी, उनकी याद में ये मूर्ति बना दी है हमने। हम दोनों अब लाइब्रेरी जा रहे हैं, पार्क में तो घूम लिए हम। और ये कुछ कह रहा था अपने हाथों के बारे में, अभी दिखाएगा अपने हाथ। ये पूछ रहा है कि इसके हाथ मोटे होते जा रहे हैं या पतले होते जा रहे हैं। अब इसको कोई राय दो कमेंट सेक्शन में, वो वाला काम करने के लिए ज़रूर बताना।